नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राज शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात बूंदी की करेंगे। बूंदी जिले की बड़ुंदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में इन दिनों नील गायों का आतंक है, इस वजह से किसान खासे परेशान हैं। नील गायों के झुंड खेतों में घुस रहे हैं, जिससे खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इधर अपनी मेहनत बचाने के लिए किसान 24 घंटे रखवाली करने को मजबूर हैं। वन विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन इसका भी असर नहीं। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत लीलेड़ा व्यासन के साथेली गांव में सड़क बनाने के दौरान की गई लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब। यहां सड़क बनाने के दौरान नालियां नहीं बनाई गई, ऐसे में गंदा पानी सड़कों पर जमा होने से कीचड़ बन गया। रास्तों पर हुए कीचड़ से आवाजाही मुश्किल, ग्रामीणों ने सरपंच को बताया तो उन्होंने जल्दी ही नालियां बनवाने के लिए आश्वासन दिया। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत तालेड़ा क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर एक बार फिर ट्रक का टायर पंचर कर लूट की वारदात की गई। लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर को मारपीट कर घायल कर दिया। लुटेरे ड्राइवर ने 55,400 रुपए भी लूट लिए। इस हाईवे पर पिछले कुछ दिनों से ऐसी ये तीसरी वारदात। बूंदी जिले की तालेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा, यहां चिन्हित अतिक्रमण का एसडीएम ने जायजा लिया। मुख्य सड़क पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, सड़क संकरी होने से रोजाना यहां जाम लगता है। इसके तहत सड़क के 20 से 50-50 फीट की दूरी नापी गई और दुकानदारों को नोटिस देने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए गए। बाड़मेर के बालोतरा में एक होटल में सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने होटल से गुजरात की 2 महिलाओं समेत ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। बाड़मेर में धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के भीमथल गांव में टाके में गिरी बच्ची को बचाने की कोशिश में मां की भी मौत। दरअसल 1 साल की बच्ची उस वक्त टांके में गिरी जब अपनी उसकी मां वहां पानी भरने के लिए गई थी। बच्ची को बचाने के लिए मां भी टांके में कूदी, लेकिन वो भी डूब गई। बाड़मेर के बालोतरा में आसोतरा रोड पर जीप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल हुए बाइक सवार को बालोतरा राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोक की बात करेंगे जहां के राजमहल ग्राम पंचायत में जी राजस्थान न्यूज की खबर का बड़ा असर, यहां लाखोलाई में गार्नेट के अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। हमने 150 गांव 150 खबर में समाचार दिखाई थी कि लाखोलाई में गार्नेट का अवैध खनन हो रहा है। समाचार देखने के बाद खनिज और राजस्व विभाग हरकत में आया। दोनों विभागों के छापे मारते ही अवैध खनन माफिया मौके से भाग निकले। राजस्व विभाग ने श्रमिकों को नोटिस दिए और खनन नहीं करने के लिए पाबंद किया। टोंक पंचायत समिति प्रधान जगदीश गुर्जर ने सरपंच संघ अध्यक्ष देवलाल गुर्जर सहित क्षेत्र के सरपंचों की मीटिंग की। इस मीटिंग में क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी जानकारियां साझा की गई और क्षेत्र में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर सरपंचों से समझाइश की गई। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनवाने पर जोर दिया गया। वहीं सरपंचों ने विकास कार्यों में की रुकी हुई अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। टोंकी पीपलू ग्राम पंचायत का राधाकृष्णपुर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, यहां पेयजल से लेकर शिक्षा तक मुहैया नहीं। गांव में पानी की सप्लाई नहीं होने से पेयजल की काफी दिक्कत है। स्कूल तो है, लेकिन उसमें शिक्षक की कमी है। मजबूरी में बच्चों को पढ़ाई के लिए टोंक और निवाई भेजना पड़ता है, लेकिन जिला मुख्यालय के लिए बस सेवा भी नहीं होने से आवाजाही में भी परेशानी। टोंक की निवाई पंचायत समिति ने गांव में खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में काफी रोष, साथ ही पटवारियों पर खराबे में सर्वे में गड़बड़ियों के आरोप भी। फसल खराबे की मांग को लेकर प्रधान और सरपंच संघ अध्यक्ष की अगुवाई में किसानों ने प्रदर्शन किया, साथ ही दोबारा सर्वे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पहले भी किसानों ने पंचायत समिति की बैठक में एसडीएम और बीडीओ को बंधक बनाया था। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। टोंक में पिपलू ग्राम पंचायत से होकर डिग्गी धाम जाने वाली रोड बदहाल, पूरी तरह से उखड़ी सड़क पर चलना खतरनाक। ग्रामीण इस सड़क को सुधारने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इसे लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुआ है। इधर सरपंच ने भी विभागीय अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, लेकिन विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। झालावाड़ की बात करेंगे जहां जिले के डग में ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कायावरणेश्वर महादेव मंदिर समिति की बैठक और कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए।
इसमें रामलाल डोरी को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही कार्यकारिणी में 51 सदस्य मनोनीत हुए। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत चमहला में सब्जी बेचने वालों को दूसरी जगह भेजने की कार्रवाई, नई जगह तय करने को लेकर सब्जी विक्रेताओं में रोष। इस दौरान सब्जी मंडी ने महिला विक्रेताओं ने भी हंगामा किया। गंगधार पुलिस, एसडीएम और पंचायत वार्ड मेंबर मौके पर पहुंचे और समझाइश की। झालावाड़ जिले के खानपुर की सब्जी मंडी के कारोबारी हड़ताल पर, कारोबारी नई जगह पर शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी पुरानी जगह पर बैठने की ही मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही पानी और रोशनी की व्यवस्था की भी मांग। झालावाड़ जिले के सांसद आदर्श ग्राम भालता में प्रस्तावित बाईपास रोड नहीं बन पाई, ऐसे में वाहन चालक को यहां भारी परेशानी। यहां रुहेला मोहल्ले में रतलाई रोड संकरी होने की वजह से एक एक बस नहीं चलती, बस चालकों को बस घुमाने में भी काफी परेशानी। झालावाड़ जिले में गुराखेड़ा के सचिव से हुई मारपीट का विरोध हो रहा है, विरोध जताने के लिए बकानी पंचायत समिति में ब्लॉक के सभी ग्राम सेवकों ने प्रदर्शन किया। गुराखेड़ा के सचिव के साथ मारपीट की रिपोर्ट रटलाई थाने में दर्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्राम सेवकों में रोष। झालावाड़ जिले में बकानी ग्राम पंचायत पर भामाशाह शिविर का आयोजन हुआ, लेकिन कर्मचारियों की उदासीनता से दो दिन का ये शिविर फ्लॉप रहा। शिविर के प्रभारी मकानी वीडियो ही शिविर में गैर हाजिर रहे, ऐसे में लोगों के आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड ही नहीं बन सके। झालावाड़ जिले के आड़िया खेड़ी ग्राम पंचायत में सर्दी में भी पानी की समस्या, इस बार बारिश कम होने से ये परेशानी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए गांव में जल संग्रहण के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों और जानवरों को पानी मिल सके। इसके लिए पंचायत मुख्यालय पर तालाब बनवाया जा रहा है, मनरेगा के तहत इस तालाब का काम चल रहा है। बारा के भंगा डांडा गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसका हाल बेहद खराब, यहां बच्चे खतरे और असुविधा में पढ़ाई करने को मजबूर। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर, साथ ही खिड़कियां और दरवाजे भी टूटे हुए। स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं, पंचायत और शिक्षा विभाग जानकारी के बाद भी स्कूल की हालत सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। राज्य भर में घूम रही जवाबदेही यात्रा का बारा के अंत में पहुंचने पर स्वागत हुआ। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने सूचना और रोजगार के अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी दी। बारा की कटियावर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लापरवाही, यहां अभी तक ज्यादातर घरों में शौचालय नहीं। ग्राम पंचायत की ओर से शौचालय बनवाने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे, इतना ही नहीं जिन्होंने शौचालय बनवा लिए उन्हें अनुदान राशि ही नहीं मिली। ऐसे में लोग अपने घरों में शौचालय नहीं बनवा रहे, दूसरी तरफ पंचायत भी लोगों को प्रेरित करने के प्रयास नहीं करता। बारा की बात करेंगे जहां कैटरू में पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायत की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें बीडीओ ने सभी पंचायत के सचिवों को ओडीएफ के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। बारा के राजपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पानी की सप्लाई ठप, ऐसे में लोगों को पीने के पानी की भारी परेशानी। यहां सरकारी नलकूप तो है लेकिन वो खराब पड़े हैं, ऐसे में पानी के लिए प्राइवेट नलकूपों का सहारा लेना पड़ता है। इधर ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन से मांग की है कि नलकूप ठीक करवाए जाएं, लेकिन क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत के बाद भी पंचायत प्रशासन को परवाह नहीं। अजमेर में बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के पाटन गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत, हादसे के बाद वाहन चालक फरार। दुर्घटना का शिकार हुई लाली देवी हाईवे की ओर अपने खेत पर जा रही थी, हाईवे पार करते समय उसे वाहन ने कुचल दिया। करौली में नादोती के सोप गांव में राशन डीलर की मनमानी से एक बुजुर्ग भूखे मरने को मजबूर, हार कर बुजुर्ग ने एसडीएम से गुहार लगाई। ये बुजुर्ग पिछले साल से ही बीपीएल लिस्ट में नामांकित है, लेकिन राशन डीलर दादागिरी करते हुए उसे पिछले एक साल से राशन नहीं दे रहा। बुजुर्ग ने एसडीएम को ज्ञापन देकर राशन दिलवाने की मांग की। इस मांग पर एसडीएम ने उन्हें दफ्तर बुलाया और समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। करौली जिले के गुढ़ा चंद्रजी के एसबीबीजे बैंक में कैशियर ने लापरवाही से महिला के 35,000 रुपए किसी दूसरी महिला को भुगतान कर दिए। पैसे नहीं मिलने से महिला ने बैंक में हंगामा किया। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूसरी महिला से पैसे दिलवाने के बाद इस पूरे मामले को शांत किया। करौली जिले की बात करेंगे जहां के नादोती में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र नए राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसडीएम के सामने रोष जताते हुए लोगों ने कहा कि सभी तहसीलों में नई जमाबंदी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, लेकिन नादोती में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। करौली के सपोटरा उपखंड मुख्यालय के पुलिस थाना परिसर में शिव मंदिर पर जन सहयोग से पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मंदिर में भगवान शिव की आकर्षक झांकियां सजाकर प्रसादी वितरित हुई। करौली जिले के सपोटरा में जलदाय विभाग की उदासीनता से एक पखवाड़े से नलों में गंदा पानी आने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी। पुरानी पाइपलाइन में लीकेज होने से नलों में गंदा और दूषित पानी आ रहा है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर।
ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन पाइपलाइन बदलने और लाइन में मरम्मत को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। नागौर जिले के इंद्रावट गांव में राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इंद्रावट सरपंच नंदाराम मेहरिया की अध्यक्षता में मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सरपंच ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के विकास को लेकर पंचायत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। नागौर जिले की बात करेंगे, जहां के खजवाना में किसानों ने फसल बीमा कंपनी के बीमा क्लेम नहीं देने के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया। खजवाना के आसपास हुई फसल खराबे को लेकर बीमा कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। किसानों ने फसल बीमा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खजवाना के किसानों ने गुबाड़ क्षेत्र में बैठक कर फसल बीमा क्लेम पर चर्चा की और फसल क्लेम के साथ सरकार के फसल खराबे को लेकर जल्द मुआवजा देने की बात कही। नागौर जिले के हरसोलाव ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलग से 20 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। सांसद सीआर चौधरी ने ग्रामीणों की मांग पर 20 लाख रुपए का अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की। इसके साथ ही हरसोवाल ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से स्वच्छ पंचायत हो सकेगा। नागौर जिले के जस नगर की हॉकी खिलाड़ी पिंटू जियाणी ने नेशनल गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। पिंटू के लौटने पर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन। अलवर जिले के राजगढ़ में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूटा। सैकड़ों महिलाएं चौपड़ पर जमा हुई और रस्सी बांधकर रास्ता जाम किया। जाम लगते ही करीब 45 मिनट बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन महिलाएं जलदाय विभाग के अधिकारियों के आने तक हटने को राजी नहीं हुई। दो घंटे बाद पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा। महिलाओं ने 3 दिन पानी की सप्लाई दुरुस्त नहीं होने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी। अलवर जिले के थाना राजा जीगांव में भामाशाह कार की सीडिंग के लिए कैंप का आयोजन, लेकिन 2 दिन के इस शिविर में सिर्फ एक ही दिन सीडिंग का काम हुआ। एसडीएम ने जब निरीक्षण किया तो काम पूरा नहीं होने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई, साथ ही एक दिन में आधे से ज्यादा लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। अलवर जिले के खेड़ली में स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, हालांकि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के आरोप है कि बड़े व्यापारियों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया। कार्रवाई में भेदभाव से छोटे कारोबारियों में रोष। अलवर जिले के काली पहाड़ी गांव में महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार का आयोजन, इसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा और कुरीतियां दूर करने पर चर्चा। अलवर जिले के राजगढ़ ग्राम पंचायत में हनुमान जी के मंदिर में भंडारे का आयोजन, इसमें ग्रामीणों ने भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण की। धौलपुर के बाड़ी में 6 से ज्यादा बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। 6 से 15 साल के इन बच्चों को ढाबों और टायर ट्यूब की दुकानों पर काम करवाया जाता था। इधर मुक्त कराए गए बच्चों के घर वालों को सूचित किया गया, जिनके परिजन नहीं हैं उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा। धौलपुर जिले के राजौरा खुर्द ग्राम पंचायत की पीएससी पर आरोग्य राजस्थान शिविर का आयोजन, शिविर में 400 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच। गंभीर बीमारी से पीड़ित 9 मरीजों को जिला मुख्यालय किया रेफर, हालांकि इस शिविर में दवाइयों की कमी रही और कई रोगियों को बिना दवा लिए शिविर से लौटना पड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी में निःशुल्क कैंसर निदान शिविर का आयोजन, सत्यनारायण धर्मशाला में लगाए शिविर में 206 मरीजों की जांच। धौलपुर जिले के हसेलियापुरा में आग लगने से 56 पौष मकान जलकर राख हो गया, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर पंचायत समिति क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन, संस्था प्रबंधक निदेशक ने छात्रों के देश प्रेम और मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारने की सलाह दी। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावास गांव में पिछले 5 दिनों से दाई मुख्य नहर बंद होने से किसानों को भारी परेशानी। नहर का पानी बंद होने से किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल रहा, इससे किसानों को फसल खराबे का डर। इस बारे में किसानों ने माही विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन अभी तक नहर का पानी चालू नहीं हुआ। बांसवाड़ा जिले के बजवाना गांव में 3 दिवसीय हरि कथा और भजन कीर्तन का आयोजन, कार्यक्रम में गांव के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बांसवाड़ा जिले के घकलिया में सेकेंडरी सीनियर स्कूल के कमरों के खस्ता हाल होने से छात्र बेहद परेशान। स्कूल के कमरों की टाइल्स टूट गई हैं और 3 कमरे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कतें आती हैं। स्कूल की समस्या के बारे में कई बार सरपंच से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन आज तक समाधान नहीं। बताया जाता है कि मंडी समिति के पास मुख्य गेट पर नाम लिखवाने के लिए पैसा नहीं है, हालांकि मंडी समिति की कमाई नई जगह में बढ़ी है। श्रीगंगानगर जिले के जैसर में कृषि उपज मंडी नई जगह पर शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक नए मंडी यार्ड में नाम तक नहीं लिखवाया गया। मंडी समिति की पिछली बैठक में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन अब तक मंडी के मुख्य गेट पर नाम नहीं। श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर पंचायत समिति के गांव करड़वाला में बिजली उपभोक्ता बिजली के कम वोल्टेज से परेशान।
आए दिन बिजली की अघोषित कटौती के साथ कम वोल्टेज से भी ग्रामीण बेहद परेशान। गांव के लोगों ने गांव में बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। बात श्रीगंगानगर की होगी, जहां के रायसिंह नगर में विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार की मोबाइल वैन पहुंची। तालुका सेवा समिति के अध्यक्ष ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। श्रीगंगानगर जिले में श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 4 में बना गंदे पानी का गड्ढा वार्ड के लोगों के लिए परेशानी का कारण। गड्ढे में ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर आता है, गंदे पानी से वार्ड के लोगों का जीना दुभर। श्रीगंगानगर जिले में श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 4 में ये हालात हैं। हालांकि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं। श्रीगंगानगर में गांव 17Z में नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें रागी जत्थों ने गुरु की महिमा बखान की और गतका पार्टी ने कर्तव्य दिखाए। कोटा जिले के सुमेर नगर में पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने लोगों की समस्याएं सुनी और गांव में सीसी रोड के लिए विधायक कोटे से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लोगों ने विधायक को गांव की समस्याओं के बारे में बताया। विधायक ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र का एक पशु चिकित्सालय जगह के अभाव में एक कमरे में चल रहा है। हालात ये कि स्टाफ को भी बाहर खुले में ही बैठना पड़ता है। क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय होने के बावजूद अव्यवस्थाओं के चलते पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा जिले के सांगोद में सरकारी योजनाओं के लिए सीडिंग शिविर शुरू हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिविर में मौजूद रहकर नामांकन किए। शिविर को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया। प्रचार प्रसार की कमी के चलते शिविर में कम लोग पहुंचे। कोटा जिले के सुल्तानपुर की गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। पीपलता विधायक और कोटा दक्षिण विधायक भी कथा में पहुंचे और पूजा अर्चना की। कोटा के सुल्तानपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 13 के उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल थे। नामांकन से पहले प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। झुंझुनू के मंडरेला गांव में एक आदमी पर 4-5 लोगों ने चाकू से किया हमला, उसे गंभीर घायल कर झुंझुनू के और फिर जयपुर रेफर किया गया। झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी में कॉलेज संचालक के घर में घुसा चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की। चोर भी इसी कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। इस पिटाई से गंभीर रूप से घायल होने पर उसे झुंझुनू रेफर किया गया। झुंझुनू के खिरोड़ में आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल में स्वेटर वितरण हुआ। इसके तहत गांव के समाज सेवी ने प्राइमरी तक के बच्चों को स्वेटर बांटे। झुंझुनू के गांव नरहड़ में महिला बाल पोषण कार्यक्रम और स्नेह प्रतीक वितरण का आयोजन हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में 47 बच्चों को लव ऑफ टोकन दिया गया। झुंझुनू में नरहड़ की ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर की शुरुआत सरपंच सुनीता स्वामी ने की। इस शिविर में 385 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। 7 मरीजों को उच्च चिकित्सा के लिए झुंझुनू रेफर किया। प्रतापगढ़ की बात करेंगे, जहां के निरोर में पुलिस ने रात में दुर्घटनाएं रोकने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के रंभावली में गौरव पथ ही टूट गया, ऐसे में लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी। हाल ही में इस गौरव पथ का निर्माण हुआ था, ग्रामीण इसकी मरम्मत करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के पिल्लू गांव में हाल ही में बनाई गई सीसी रोड बदहाल है, ऐसे में ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी। ग्रामीणों ने पंचायत से सड़क दुरुस्त करवाने की मांग की, लेकिन पंचायत प्रशासन लोगों की परेशानी को लेकर गंभीर नहीं। प्रतापगढ़ के निनोर में साखथली गली के लिए सड़क का निर्माण काम शुरू हुआ। खस्ताहाल सड़क को दुरुस्त कराने की ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। प्रतापगढ़ की बात करेंगे, जहां के थरियाबाद में पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जमकर किया हंगामा और ताला लगा दिया। हंगामा कॉलेज में कमरों की कमी को पूरा करने को था। दरअसल कॉलेज सालों से अस्थायी भवन में चल रहा है, तुरंत 2 और कमरों की व्यवस्था होने के बाद छात्र माने। जयपुर के विराटनगर में बस स्टैंड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, एसडीएम की मौजूदगी में अस्थायी और स्थायी अवैध कब्जे हटाए गए। जयपुर में चौमू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डोडा पोस्ट नशा मुक्ति शिविर का आयोजन। 8 दिन का शिविर नया सवेरा स्वास्थ्य जीवन के तहत लगाया गया। इस शिविर में डोडा पोस्ट के आदि मरीज भर्ती किए गए, इन्हें योग और मनोरंजन जैसे तरीकों से नशा छुड़ाने में मदद की जाएगी। जयपुर की बात करेंगे, जहां के सांभर लेक ग्राम पंचायत काजीपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। सरपंच की अगुवाई में अभियान के तहत पंचायत क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध कब्जे हटाए गए। जयपुर में बस्सी के घाटा, हरड़ी और हरध्यानपुरा और कुथांडा में अवैध खनन बंद।
यहां 147 हेक्टेयर में 3 किलोमीटर लंबे पहाड़ पर बिना लीज खनन हो रहा था। यहां करीब 150 खानों में 1500 मजदूर काम कर रहे थे। 15 साल से ज्यादा समय से वहां बिना पर्यावरण की स्वीकृति के खनन चल रहा था। अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से ऊंची जगहों पर खनन पर प्रतिबंध है। सरकार ने 24 घंटे में खनन बंद करने का शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। भीलवाड़ा की बात करेंगे, जहां की कोटरी के ढोकलिया और मानसिंह जी का झोपड़ा गांव में चोरी के शक में कालबेलिया की झोपड़ियों और तंबू फूंक दिए गए। हालांकि गनीमत यह रही कि आगजनी में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। देर रात एसडीएम ने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और बिस्तर उपलब्ध करवाए। पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। भीलवाड़ा के आसिंद में महावीर भोजनशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद वीवी सिंह और विधायक रामलाल गुर्जर ने शिविर का किया उद्घाटन। भीलवाड़ा में मंडलगढ़ के बिजौलिया में नेशनल हाईवे 27 पर डेथ पॉइंट को लोगों ने ही बंद कर दिया। एनएचआईए से बार बार शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद इसे पत्थर डालकर बंद कर दिया। अजमेर के पिसांगन में बस स्टैंड मेवाड़िया रोड और गोविंदगढ़ रोड से अतिक्रमण हटाए गए। ये कार्रवाई पंचायत प्रशासन और तहसील प्रशासन ने की। अवैध कब्जे करने वालों के विरोध को देखते हुए इस दौरान भारी पुलिस का जाब्ता भी तैनात था। बार बार नोटिस के बावजूद ये कब्जे हटाए नहीं गए थे। नागौर की बात करेंगे, जहां के डीडवाना से निकलते मेगा हाईवे पर छापरी गांव बस स्टैंड पर एक स्कूली छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रा का पैर अलग हो गया। हादसे की सूचना पर ग्रामीण भड़क गए और मेगा हाईवे पर पत्थर और लकड़ियां डालकर जाम लगा दी। बाद में डीडवाना पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। नागौर की बात करेंगे, जहां की कोलिया गांव के मुख्य बस स्टैंड पर बने नेहरू पार्क को सुंदर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ग्रामीण लंबे समय से पार्क की हालत सुधारने की मांग कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।